أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهم وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا صدق الله العظيم सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 40 से लेकर 44 तक की तिलावत की गई। पहली आयत यानी आयत नंबर 40 का तर्जमा ये है कि क्या तुम्हारे परवरदिगार ने तुमको तो चुन चुन कर बेटे दे दिए और खुद फरिश्तों में से बेटियां बना ली, यकीनन तुम बड़ी बात कहते हो। अरब के अंदर कुछ कबीले ऐसे थे जिनका अकीदा ये था, मानना ये था कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं, और जो लोग ऐसा मानते थे उनका खुद का हाल ये था कि अपने लिए बेटियों को पसंद नहीं करते थे। उनको ये पसंद नहीं था कि उनके घरों में बेटियां पैदा हों। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि जिस चीज को तुम खुद अपने लिए पसंद नहीं करते, ऐसी चीज को तुम अल्लाह की औलाद करार देते हो, और औलाद में भी लड़कियां अल्लाह के लिए और लड़के खुद के लिए, अजीब बेइंसाफी तुम कर रहे हो। ये भी इंसान का एक मिजाज रहता है कि अच्छी चीजें अपने लिए पसंद करता है और जिन चीजों को पसंद नहीं करता वो दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। चुनांचे एक लतीफा आगे भी सुनाया था, एक मर्तबा मोहसिन साहब के घर पे एक आदमी खीर देने के वास्ते आया, बच्चा, और वो खीर ऐसे घर से आया था कि जिंदगी भर मोहसिन साहब को वहां से कुछ मिला नहीं था, कभी कुछ भी नहीं दिया, और आज खीर बेच दिया खाने के वास्ते। मोहसिन साहब ने बच्चे को बहुत ताज्जुब से कहा कि बेटे क्या बात है, आज तेरी अम्मी ने इधर बेच दिया खीर देने के वास्ते, आज तक तो कुछ भी नहीं लाया। बच्चे ने कहा कि अम्मी ने यूं बताया कि खीर बनाकर उसको डाल कर रखना भूल गई और उसमें बिल्ली ने मुंह डाल दिया है। तो अब्बा तो यही कहते रहे कि इसको फेंक दो, लेकिन अम्मी ने कहा कि फेंकने का कहे तो अपने मोहसिन साहब को दे दे। ऐसा इनका काम है कि जो चीज खुद के लिए पसंद नहीं करते, लड़कियां, कहा कि अल्लाह की लड़कियां हैं फरिश्ते, तो अल्लाह के लिए लड़कियां साबित करते, और खुद लड़कियों से बहुत नफरत थी, इनको शर्म आती थी लड़कियों के बारे में। अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाती है इन्नकुम लतकूलून कौलन अज़ीमा, तुम बहुत बड़ी बात कहते हो, सोचते नहीं हो कि तुम क्या कह रहे हो, ये तो अल्लाह के साथ शिर्क कर रहे हो, पार्टनरशिप करार दे रहे हो, और ये एक गुनाह ऐसा है जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत गुस्सा आता है। वक़ालु तख़ज़ रहमान वलदा, और ये लोग यूं कहते हैं कि अल्लाह की औलाद है। अब अगर औलाद मानेंगे तो अल्लाह की बीवी भी माननी पड़ेगी, बीवी मानेंगे तो सास और ससुर भी मानने पड़ेंगे, यानी फिर अल्लाह में और मखलूक में कोई फर्क नहीं रह जाए, और अल्लाह ताला इन तमाम झंझटों से पाक है, बेनियाज है। वक़ालु तख़ज़ रहमान वलदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि देखो ये मेरे लिए औलाद साबित कर रहे हैं। लकद जी तुम शय अनिता, तुम बहुत खतरनाक बात कह रहे हो। तकाद समावात यतफत्तरन मिन्हु, करीब है कि आसमान तुम्हारी इस बात पर फट पड़े, इतनी भारी बात है अल्लाह की नजदीक कि कोई अल्लाह की औलाद साबित कर। तकाद समावात यतफत्तरन मिन्हु वतनशक्कुल अर्द वतखिरुल जिबालु हद्दा, और जमीन भी हिलने लगे, जुम्बिश करने लगे तुम्हारी ये बात सुनकर, और पहाड़ भी गिर जावे, इतनी भारी ये बात है, अल्लाह ताला को इतनी ज्यादा नापसंद ये चीज है कि कोई उसकी औलाद करार दे। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं वलकद सर्रफना फी हादल कुरान लियदकरू, इस कुरान में हमने बातों को फेर फेर कर मुशरिकी ने मक्का को समझाया, कभी धमकी लेकर समझाया कि नहीं मानोगे तो आजाब आएगा, कभी वादे करके बयान फरमाया उनके सामने, उनको समझाया कि मानोगे तो जन्नत मिलेगी, ये मिलेगा वो मिलेगा,
कभी अगले लोगों के किस्से कहानियां बयान करके समझाया करें कि उन्होंने माना तो वो कामयाब हुए और नहीं माना वो नाकाम हुए। कभी उनके आसपास की निशानियां उनको दिखाई कि देखो तुम अल्लाह को नहीं मानते, अल्लाह कौन है, कि जमीन जब बिल्कुल बंजर हो जाती है गर्मी के आखिरी दिनों में तो ऐसा लगता है जैसे जमीन मुर्दा हो गई, फिर अल्लाह ताला आसमान से पानी बरसाता है तो जमीन पर सब्जा लहलहाने लगता है और ऐसा मालूम होता है जैसे मुर्दा जमीन फिर से जिंदा हो गई। तो जो अल्लाह जमीन को मुर्दा हो जाने के बाद जिंदा करेगा वो तुमको भी मरने के बाद दोबारा जिंदा करेगा और तुम्हारे अकायद और अमाल के बारे में तुमसे पूछेगा। कभी ये बताया कि तुम देखो तो सही कि ठंडी की सीजन में ठंडी कौन भेजता है, रात के वक्त अंधेरा कौन पूरी दुनिया पर तारी कर देता है, दिन में उजाला कौन ला कर देता है, ये हवाएं इधर से उधर से चारों तरफ से जो चलती है, ये अलग अलग रुखों से हवाओं को कौन चलाता है, आसमान से बारिश कौन बरसाता है, जमीन से अनाज गल्ला वगैरह कौन उगाता है, ये तरह तरह के चौपाए इंसान जानवर जिन्नात कौन पैदा करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशुमार तरीकों से हमने इनको समझाया। वरकत सर्रफ ना पिया जल कुरान लिया करूं, ये आयत भी कुरान में कई जगह पर आई। अल्लाह ताला फरमाते हैं कई तरीके से कई एंगल से इनको समझाया। वमा यज़ीदुहुम इल्ला नुफूरा, लेकिन इनकी नफरत बढ़ती गई, जो जो मर्ज की दवा की वो मर्ज और बढ़ता गया, जितना ज्यादा समझाया इतना दूर होते गए। जैसे नूह अलैहिस्सलाम के वाक्य में सूरह नूह में है, قال رب اني دعوت قومي ليلا ونهارا, नूह अलैहिस्सलाम ने रब से फरियाद की कि मैंने तो सुबह शाम इनको समझाया, फलम यजीदहुम दुआई इल्ला फिरारा, लेकिन मैं जो जो उनको समझा रहा हूँ वैसे वैसे और दूर भाग रहे हैं। وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, और जब भी मैं तेरी तरफ इनको दावत देता हूँ तो ये अपने कानों में उंगलियां डाल देते, वो सुनना ही नहीं चाहते, कलाम अल्लाह की बात को अल्लाह के दावों को अल्लाह की दलीलों को सुनना ही नहीं चाहते, और कभी कान में उंगली डाल देते, कभी कपड़े से अपने चेहरे को छुपा लेते, बात सुनना ही नहीं चाहते। यहाँ भी है लियत दर्द करो, ये इसलिए समझाया ताकि वो नसीहत हासिल करे, गौरव फिक्र करे, लेकिन गौरव फिक्र करना तो बहुत दूर की बात, ये लोग तो सुनने के वास्ते भी तैयार नहीं। وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون, काफिर और मुशरिकीन तो यही कहते थे कि कुरान सुनना ही मत, और जब कोई तुम्हारे सामने कुरान पढ़े मोहम्मद या सहाबाए किराम में से कोई भी तो तुम उस वक्त शोर मचाना, धमाल पे चढ़ जाना ताकि उनकी आवाज दब जाए और कुरान की आवाज तुम्हारे कानों तक नहीं जाए। जिन लोगों के पास, जिन जमातों के पास अकली और नकली दलीलें नहीं होती है, उनका काम यह होता है कि मुखालिफ के सामने जब दलील नहीं बन पड़ती तो वो शोर मचाते हैं, धमाल पे उतर आते, दलीलें पेश नहीं कर सकते। आज भी ऐसा ही है, इस्लामी तालीम के मुकाबले में दुनिया का कोई मजहब ऐसा नहीं है जिसकी तालीम इंसानी फितरत के मुताबिक हो, फितरत सलीमा जिसको एक्सेप्ट कर ले, ऐसी तालीम किसी और मजहब के पास नहीं। सच्चाई इस्लाम के पास है, हकीकत इस्लाम के पास। अब जिनके पास इस्लाम के मुकाबले में रखने के वास्ते कोई दलील नहीं है, अब वो शोर मचा रहे, भाई अजान होगी तो हम ये पढ़ेंगे, ये आवाज दबाना चाहते ताकि खुद भी ना सुने और दूसरे लोग भी वहां तक पहुंच ना पाए। लेकिन हक हक होता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत एक मुद्दत के बाद हक को गालिब करके रहते हैं, और बातिल बातिल होता है। बातिल को तो समंदर की झाग कहा गया है, वो पानी के ऊपर जो झाग जमती है वो थोड़ी देर तो पानी नजर नहीं आता, ऐसा लगता है कि पानी है ही नहीं, झाग ही झाग है, लेकिन पानी असल चीज है। फिर थोड़ी देर के बाद झाग जो होती है वो खत्म हो जाती है, गायब हो जाती है, और पानी अपनी जगह पर बाकी रहता है। तो पहले से उनका तरीका चला आ रहा है और चलता रहेगा कि हक के मुकाबले में कोई दलील जब बन नहीं पड़ती है उनसे तो शोर मचाते हैं, थालियां बजाते हैं, तालियां पीटते हैं, तरह तरह के और दूसरे तरीके इख्तियार करते हैं, लेकिन हक साबित होकर रहेगा। यहाँ कुरान कहता है लियत जद करो, गौरव फिक्र करेगा उसके लिए हिदायत के रास्ते खुलेंगे। अब सुनेंगे ही नहीं, कान में उंगलियां डाल देंगे, शोर मचाएंगे तो फिर गौरव फिक्र करेंगे नहीं, और गौरव फिक्र करेंगे नहीं तो अल्लाह की कुदरत समझ में नहीं आएगी। हमारे लिए भी इसमें दावत है कि कुरान की जो आयात है उसके अंदर गौरव फिक्र करें, खाली सुना न करें। ठीक है, तो इमाम साहब एक ने एक सूरत पढ़ा करते हैं, हफ्ते में दो बार ये सब भी इसमें पढ़ते हैं, बाकी सब भी इसमें तू कितनी समझा ये बड़ा मसला है। अगर समझ कर
सुनने वाले बन जा रहा था, सभी इसमें बहुत पड़ी जा रहा, तो अभी कोई प्रॉब्लम हमें नहीं हो। अल्लाह की कुदरत इसमें अजीब व गरीब बयान है। और हुजूर ने कैसे मौकों पर पढ़े, जब बहुत ज्यादा मजमा होता तब हुजूर पढ़ते थे, जुमा में ईद की मैदान में तब हुजूर खास तौर पर इन सूरतों को पढ़ते। तू कितना समझा ये मसला, लियत तक कब। आज के दौर में भी बयानात बहुत हो रहे हैं, पहले के मुकाबले में ज्यादा हो रहे हैं, जगह जगह मस्जिद मस्जिद गरीब, शानदार बयान, जानदार बयान, धमाकेदार बयान, पुरलुत्फ बयान, रूहानी बयान, जिस्मानी बयान सब हो रहे हैं, लेकिन फायदा नहीं होता। क्यों? कि सिस्टम में क्या हो गया कि मौल साहब को फिक्र होती कि मजमा कितना था, और मजमे को फिक्र है कि कौन सी बात अच्छी बताई, क्या पढ़े मौल साहब, क्या नजब पढ़े, अखीर में क्या बताया, बस फिर कहीं लेना देना नहीं। लियत गत करो नहीं कि फिर घर जाके भी बैठ के सोचे कि यार ये बात बहुत अजीब है, ये बात अल्लाह तक पहुंचा रहे ऐसी है, इसमें वाकईतन अल्लाह की कुदरत बयान की गई, ऐसा कोई सुनता और सीखता नहीं है। हो गया बयान, मौल साहब भी खुश थे कि मजमा बहुत था, मस्जिद पूरी भर गई थी, और पब्लिक की खुश कि मौल साहब ने बहुत अच्छी नजम भी पढ़ी, ने बहुत गा गा कर सबको बता दिया। लियत गत करो वाला मामला आज नहीं, पहले जमाने के मुकाबले में तो आज बयान बहुत हो रहे। आप पहले तो तारीखों पर आप सुन सकते थे, अभी तो आपने मोबाइल चालू किया और किसका सुनना है आपको, उसी वक्त वो बयान चालू हो जाएगा। लेकिन असर क्यों नहीं है? लियत तक करो, नसीहत की नीयत से, कुछ गौरव फिक्र की नीयत से सुनने वाले बहुत कम। तो इनका काम यही था, अल्लाह ताला फरमाते कि इनको बहुत समझाया, लेकिन ये है कि माने नहीं। वमा यजीदुहुम इल्ला नुफूरा, बल्कि मर्ज बढ़ता ही गया, जो दवा की जैसे जैसे कुरान उनके सामने आता गया, और ज्यादा नफरत उनके दिलों में पैदा होती है, क्योंकि उनके हक में अल्लाह ताला ने हिदायत लिखी ही नहीं। और ये तो बस यही कहते थे कि अल्लाह तो है अपनी जगह, लेकिन दूसरे भी बहुत सारे माबूद हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि चलो मैं तुमको दलील से साबित करके बताता हूँ कि मेरे अलावा कोई नहीं है। कुल लौ कान माहु आलिहतुन, ए नबी से कहो कि अगर अल्लाह के अलावा दूसरे भी माबूद होते, कमा यकुलून, जैसे कि वो कहते हैं, इधर लब तगो इला दिलाउसी सबीला, तब तो वो माबूद अर्श वाले तक पहुंचने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते। मान लो तुम्हारे कहने के मुताबिक एक खुदा अर्श पर है, बाकी छोटे छोटे आसमानों में जमीनों में है, तो ये जो छोटे छोटे हैं इनको भी तो कभी शौक होता ना कि अपने वो उसके हाथ नीचे कहीं को रहने का, अपने चलो नहीं अर्श पर चले जाए। इधर लब तगो इला दिलाउसी सबीला, ये सब मिलके कभी ना कभी तो अर्श तक पहुंचने की कोशिश करते, और अर्श वाला जो रहे उस पर हल्ला बोल देते, हमला कर देते, और उसको खत्म करके खुद बादशाह बन जाते, खुद सबसे बड़े माबूद बन जाते। ऐसा कभी तुमने देखा सुना कि 307 जो काबा में रखे वो जमा हो गए हो और अर्श वाली पर चढ़ाई की हो, या आसमान में कभी तुमने कोई तूफान देखा हो ऐसा मारा मारी, या कोई चीजें फेंकी गई हो तोड़ फोड़ ऊपर कभी तुमको नजर आई हो कि भाई एक से ज्यादा माबूद थे दोनों में लड़ाई हो गई। और एक से ज्यादा हो तो ये बात मुमकिन ही नहीं कि एक लंबे जमाने तक सब माबूद आपस में मुत्तफिक रहे, सबकी राय सरकी रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक दो मामलों में 10-20 मामलों में राय सरकी हो सकती है, लेकिन किसी न किसी बात में तो फिर इख्तिलाफ होगा कि नहीं होगा उनके। लेकिन तुमने कभी देखा इख्तिलाफ? सूरज कभी ना अपनी एक मिनट आगे पीछे करता है, चांद अपने वक्त पर आकर हो जाता है, रात आ जाती है, सुबह हो जाती है, कभी कोई इख्तिलाफ नहीं देखा। ये निजाम का सिस्टम के मुताबिक चलते रहना, ये एक अल्लाह की दलील है। अगर इसके पीछे एक से ज्यादा कोई होता, दूसरा माबूद भी होता, तो उनमें इख्तिलाफ होता और ये निजाम जो चल रहा है वो बिगड़ जाता, तहस नहस हो जाता। कुल लौ कान माहु आलिहतुन कमा यकुलून, इधर लब तगव इला दिलाउसी सबीला, सुबहानहू व तआला अम्मा यकुलून उलुवन कबीरा। ये जिन लोगों को अल्लाह का पार्टनर करार दे रहे हैं, उन तमाम से अल्लाह ताला पाक है। उलुवन कबीरा, बहुत बड़ा है, ऊंचे दर्जे वाला है, बुजुर्गी वाला है, उसका कोई पार्टनर और कोई शरीक नहीं है। दो प्रॉब्लम उनके थे, एक तो अल्लाह को मानते नहीं थे, और अगर मानते थे तो सिर्फ अकेला अल्लाह नहीं, उसके तहत दूसरे भी पार्टनर मानते थे। दोनों बातों को अल्लाह ताला ने समझाया कि बगैर खुदा की इतना बड़ा निजाम चलना मुमकिन नहीं। जैसे वो कहते हैं कि एक बुढ़िया को पूछा गया कि तुझे कैसे पता चला कि अल्लाह है, कहा कि मेरी चक्की के पार्ट देखकर पता चला। कैसे? कहा कि वो पार्ट चलाने के लिए भी आदमी चाहिए, जब इतनी छोटी सी चक्की खुद ब खुद नहीं चल सकती, तो फिर इतना बड़ा दुनिया का निजाम खुद ब खुद कैसे चल सकता। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में देहरियों यानी नास्तिक किस्म के जो लोग होते हैं, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनका जोर था, इमाम साहब उनके पीछे बराबर लगे थे। तो ये देहरिये इमाम साहब के कत्ल के दर पे थे,
प्लानिंग करते रहे कि कभी मौका मिले तो इमाम साहब का काम खत्म कर दे, क्योंकि उन्होंने हमारी नाक में दब कर रखा है। एक मतलब इमाम साहब बैठे हुए थे वहाँ, 10-15 देहरी है यानी नास्तिक लोग जमा हुए, हाथ में तलवारें लेकर इमाम साहब के पास आए आपको कत्ल करने की इरादे से। जैसे ही आए इमाम साहब के साथ छेड़छाड़ शुरू की तो इमाम साहब ने क्या कहा, देखो अभी मेरे साथ छेड़छाड़ मत करना, मैं एक बहुत बड़ी सोच में मुब्तला हूँ, एक बात को लेकर मैं परेशान हूँ। देहरियों ने कहा कौन सी बात में परेशानी है? इमाम साहब ने कहा कि कुछ लोग यूं कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी कश्ती है, जहाज है, वो खुद ब खुद चलता है, लोगों का सामान वक्त पर ले जाता है और लेकर आता भी है, वहां से लेकर आता है यहां से लेकर जाता है, उसका चलाने वाला भी कोई नहीं और उसका निजाम चलाने वाला इंतजाम करने वाला भी कोई नहीं, खुद ब खुद होता है सर, पानी की मोजों को खुद ब खुद चीर कर आता है और जिस जगह पहुंचना है वहां ही जाता है, इधर उधर भी नहीं जाता। मैं इस बात को लेकर परेशान, तो वो जो देहरी आए थे वो कहने लगे कि तुम इतने बड़े इमाम होकर तुम्हारी बात कितनी बात समझ में नहीं आती, अकल में नहीं आती कि एक जहाज खुद ब खुद कैसे चल सकता है और वो खुद ब खुद सामान लेकर आता हो, सामान लेकर जाता हो, पानी की मोजों को चीर कर जाता हो, ऐसे कैसे मुमकिन है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि बेवकूफ हो, यही बात तो मैं तुमको समझा रहा हूँ कि जब एक कश्ती समंदर में खुद ब खुद नहीं चलती, उसका चलाने वाला चाहिए, तो तुम्हारे कहने के मुताबिक इतनी बड़ी दुनिया खुद ब खुद कैसे चल सकती है, उसका भी तो चलाने वाला चाहिए। इस बात की दलील कि इस निजाम को चलाने वाला कोई है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि अल्लाह है, उसकी दलील तुम्हारे पास कहाँ के है? कौन सी? कहा शहतूत का दरख्त, शहतूत जिसको हम शेतूर कहते हैं, उसका दरख्त, ये अल्लाह के होने की दलील है। कहा कैसे? कहा देखो उसका फल और पत्ते एक ही किस्म के आते हैं और उसका जायका एक ही तरह का होता है, उसका टेस्ट मजा एक ही तरह का होता है, उसमें से शहद भी मक्खी भी कुछ अपना हिस्सा खाती है, चूसती है, इसी तरह कीड़े भी खाते हैं, हिरन भी खाता है, बकरियां भी खाती है, ऊंट भी खाता है, सब जानवर खाते हैं। अब खाया एक ही तरह का खाना, लेकिन शहद की मक्खी में वो खाने के बाद शहद बना, कीड़ों के अंदर रेशम बना, हिरन के अंदर मुश्क बना, गाय बैल और ऊंट ने खाया तो लीड और गोबर बना, तो एक ही चीज में से अलग अलग चीजें बनी, वो ऐसे ही तो नहीं हो जाएगा ना। कोई तो है जो कारीगरी कर रहा है, कोई तो है जिसने एक ही चीज के अंदर इतनी तासीर रखी है कि कहीं शहद बन रहा है, कहीं रेशम बन रहा है, कहीं गोबर और लीड बन रही है। इसे साबित होता है कि अल्लाह है और उसी की कुदरत दुनिया की तमाम चीजों के पीछे काम कर रही है, उसी की कारीगरी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके पास कोई दलील अल्लाह है ऐसी? कहा कि है। कहा कि तो जुबानें हमारी अलग अलग है, भाषाएं बोलियां हम जो अलग अलग बोलते हैं वो अल्लाह की कुदरत की निशानी, हर एक की जुबान अलग, हर एक का आवाज भी अलग, हालांकि जुबान की जो साइज है वो कमोबेश सर की होती है, लेकिन उसमें से निकलने वाली आवाज अलग, हर एक, किसी की भारी आवाज, किसी की पतली आवाज, मर्द की अलग, औरत की अलग, बड़े की अलग, छोटे बच्चे की अलग, शक्लों का अलग होना, चेहरों का अलग होना, जुबानों का अलग होना, ये सब अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत की निशानियां हैं। इससे मालूम होता है कि कायनात को चलाने वाला कोई है और ये सब उसी की कारीगरी है। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह से पूछा गया कि आपके पास कोई दलील अल्लाह के होने की? कहा कि है। उन्होंने एक मिसाल लिखी, देखो एक किला है, किला, और ऐसा किला कि चारों तरफ से पैक, कोई वेंटिलेशन नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजा नहीं, बल्कि छोटा सा सुराख भी नहीं कि जिसमें से हवा जावे, पानी जावे, बिल्कुल पैक, ऊपर से चांदनी जैसा चमक रहा है, चांदी जैसा, और अंदर से सोने की जर्दी की तरह है, और हवा पानी जाने का कोई रास्ता नहीं, लेकिन एक वक्त आता है कि उसकी एक दीवार फटती है, उसमें सुराख होता है और उसके अंदर से एक जानदार निकलता है जिसकी आंखें भी होती है, जिससे उसको दिखाई देता है, जुबान भी होती है जिससे वो बोलता है, और फिर दुनिया में आकर खेलता कूदता हो जाता है। इमाम अहमद इब्न हंबल इस मिसाल के जरिए अंडे की मिसाल दे रहे हैं कि अंडे को देखो आप, एक किले की तरह है, ऊपर से चांदी की तरह, अंदर से सोने की तरह, सोने की तरह जर्दे आते हैं ना उसमें, चारों तरफ से पैक, कोई सुराख भी नहीं कि अंदर वाला सांस ले सके, लेकिन उसके बावजूद वक्त आने पर अंदर से क्या निकलता है? मुर्गी का बच्चा निकलता है। तो ये ऐसे ही थोड़ी हो जाता है, वही तो है जो निजाम को चला रहा है।
ऐसी कई निशानियां उलमाए किराम ने बुजुर्गों ने दीन ने पेश की, अल्लाह ताला ने भी बेशुमार निशानियां बयान की अल्लाह के होने की। और ये सब चीजें हमारे आसपास मौजूद होती है, लेकिन उसमें असल गौरव फिक्र करे उसको ये सब चीजें मिलती है कि अल्लाह है। खैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया सुबहानहु व तआला अम्मा यकुलून उलुवन कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इन तमाम चीजों से पाक है। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाते हैं तुसब्बिहु लहु समावातु सबउ वल अर्दु व मन फीहिन, के आसमानों और सातों जमीन में जो कुछ भी है तमाम चीजें अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, अल्लाह की पाकी बयान करती है। वही मिन शैइन ला युसब्बिहु बिहम्दी वलाकिन ला तफ़क्कहूना तस्बीहहुम, उनमें से हर चीज अल्लाह की हम्द के साथ तस्बीह बयान करती है लेकिन तुम लोग उनकी तस्बीह को जानते और समझते नहीं हो। इन्नहु काना हलीमन गफूरा, यकीन अल्लाह ताला बड़ा बुर्दबार यानी बर्दाश्त करने वाला और गफूरा बहुत ज्यादा माफ करने वाला है। इस आयत में और दूसरी भी कई जगहों पर यह बात बयान की गई है कि जमीन और आसमान में जितनी चीजें हैं, चाहे वो जानदार हो, जीरो हो, गैर जीरो हो, गैर जानदार हो, तमाम की तमाम अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, उसकी पाकी बयान करती है। अब तस्बीह और पाकी बयान करने के दो मतलब, एक तो जुबान से तस्बीह बयान करना, ये तो जैसे फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, उसकी हम बयान करते हैं, इंसान है, जिन्नात है, ये लोग बयान करते हैं। और दूसरा है जुबान से तो नहीं लेकिन उनका हाल ये बयान करता है कि गोया ही अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहा है कि जब से अल्लाह ने बनाया, जिस चीज के लिए, जिस काम के लिए बनाया, उस काम में वो चीज लगी हुई है, ये भी तो अल्लाह की तस्बीह हुई कि जिस काम के लिए अल्लाह ने बनाया था उसी को बखूबी अंजाम देते रहे, कभी उसके खिलाफ कोई काम नहीं किया। ये बजुबान हाल यानी हाल उनका बता रहा है कि ये सब भी अल्लाह को मानते हैं। तस्बीह के बारे में दो राय, जुबानी तस्बीह। अब ये जो जीरो चीजें हैं जान वाली, इंसान, जिन्नात, फरिश्ते, उनकी तस्बीह तो समझ में आती है कि वो जुबान से तस्बीह बयान करते हैं, लेकिन जिनके अंदर जान नहीं होती, जैसे पत्थर है, दरख्त है, वो तस्बीह कैसे बयान करते हैं? तो ऐसे भी वाकयात कुरान ने भी नकल किया, हदीस में भी बयान किए गए कि गैर जुरूह भी तस्बीह पढ़ते थे। कुरान ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया है वसखरना मा दाऊद अल-जिबाल युसब्बिहना, 22वें सिपारे में सूरह सबा में, कि हमने दाऊद अलैहिस्सलाम के साथ पहाड़ों को भी काम पर लगा दिया था कि जब दाऊद अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे तो पहाड़ भी साथ में अल्लाह की तस्बीह बयान करते, हालांकि पहाड़ों में जान नहीं फिर भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते। सहाबा इकराम फरमाते हैं कि जब हम हुजूर के साथ खाने बैठते तो खाने में से अल्लाह की तस्बीह की आवाज हमने अपने कानों से सुनी, खाना अल्लाह की तस्बीह बयान करना। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दुनिया की हर चीज मेरी तस्बीह बयान करती है, आसमानों की हर चीज मेरी तस्बीह बयान करती है। अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि खाने का तस्बीह पढ़ना ये हुजूर का मौजीजा नहीं है, क्योंकि वैसे ही दुनिया की हर चीज अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, लेकिन वो खाने की तस्बीह सहाबा ने सुनी ये हुजूर का मौजीजा है कि तस्बीह तो हर चीज करती है लेकिन तुमको सुनाई नहीं देती है। वला किल्ला तफ कहू ना तस्बीह हो, तुम समझते नहीं लेकिन वहां तो सहाबा की रात में सुना और समझा, ये हुजूर का मौजीजा है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं दुनिया की हर चीज हमारी तस्बीह बयान करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देते थे तो उस वक्त पास में क्या था, दरख्त था छोटा सा, उसके ऊपर आप टेका देते थे, सहारा लेते थे उसे, फिर बाकायदा आपके लिए मिंबर बनाया गया तो वो जगह आपने छोड़ दी और आप मिंबर पर खड़े होकर खुतबा देने लगे तो वो जो था वो क्या होगा, रोने लगा, और ऐसी रोने की आवाज आई जैसे छोटे बच्चे रोते हैं, किसी की जुदाई पर आदमी रोता है, इतनी गमगीन आवाज के साथ वो रोता, जिसको हम कहते उस्तुआना फजाइल हज के अंदर हजरत शेख ने भी लिखा है। तो ये क्या, ये भी पत्थर है, दरख्त है, लेकिन हुजूर की जुदाई में रो रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी रिवायत है जिससे मालूम होता है कि गैर जानदार चीजें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या करती हैं, तस्बीह बयान करती है। इसी तरह वो वाक्य भी बहुत मशहूर है, अबू जहल ने हुजूर से कहा था कि आप नबी हैं तो मैं कंकरियां लेकर आया हूं, उसके पास तुम कलमा पढ़ के बता दो मेरे को तो मैं आपको नबी मान लूंगा। हुजूर ने कहा ठीक है, हुजूर ने अल्लाह ताला से दुआ फरमाई और कंकरियों ने हाथ में कलमा पढ़ के बताया। इससे भी साबित होता है कि गैर जानदार चीजें भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तस्बीह बयान करती है, ये अल्लाह की कुदरत है और अल्लाह सबका रब है,
उसका तकाजा है कि दुनिया की हर चीज उसकी तस्बीह बयान करें, वला किल्ला तब कहूं न तस्बीह हूं, लेकिन तुम लोग उसकी तस्बीह को समझते नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत समझता है, तो अल्लाह ऐसा अजीब बादशाह है, अजीब कुदरत वाला है कि दुनिया की हर चीज उसकी तस्बीह बयान करती है। इसमें मुशरिकी ने मक्का को इशारा कर दिया कि अगर तुम ईमान नहीं लाओगे, तुम मेरी पाकी बयान नहीं करोगे, तुम मेरी बराई और किबरियाई बयान नहीं करोगे, तो मैं तुम्हारी तस्बीह का और पाकी बयान करने का मोहताज नहीं। मेरे लिए तो दुनिया की हर चीज तस्बीह बयान करती है, मेरे लिए तो दुनिया की हर चीज मेरी तारीफ करती, मेरी हम्द बयान करती। इसलिए तुम ईमान नहीं लाओगे तो भी अल्लाह का कोई नुकसान होने वाला नहीं। अल्लाह ऐसा अजीब गरीब बादशाह है। हम पर अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमको ईमान की दौलत से नवाजा है, और अल्लाह का मजीद शुक्र है कि उसने अपना नाम लेने की भी हमें तौफीक दी, नमाज पढ़ने की तौफीक देता है, तस्बीह और तिलावत की तौफीक देता है, कुरान की बातें समझने के वास्ते बैठने की अल्लाह ताला तौफीक देता है। इसलिए हम पर जरूरी है कि कदम कदम पर उसका शुक्रिया अदा करें। ये जो कुछ भी तौफीक मिल रही है वो भी उसी के फजल से। अगर वो ना चाहे तो आदमी मस्जिद में बैठकर भी कुछ पढ़ सकता, मस्जिद में बैठकर भी क्रिकेट का स्कोर देखकर चला जाएगा, बाकी पढ़ने की तौफीक होगी। इसलिए कुछ काम होता है उस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। ये रात जो 3, 4, 5 आयतें पढ़ी गई उसका खुलासा ये है कि मुशरिकीन मक्का हमेशा शिर्क करते थे, उनको समझाने के वास्ते अल्लाह ताला ने आयतें नाजिल फरमाई, और उनके जरिए कयामत तक की इंसानियत को समझाने के लिए कि अल्लाह अकेला है और अपने उलूहियत में कोई उसका पार्टनर नहीं है, कोई शरीक नहीं, वो अकेला ही है। दो बातें, वो है और अकेला ही है, ये अकीदा साबित करने के वास्ते अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बातें बयान फरमाई। और ये भी अपना इस्तिग्ना, यानी अल्लाह को किसी की कोई जरूरत नहीं, वो भी बता दिया कि अगर तुम लोग भी मेरी तस्बीह नहीं पढ़ोगे, मेरी तारीफ नहीं करोगे, तो मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कायनात की हर चीज मेरी तस्बीह बयान करती है, तुम समझते नहीं हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत का जो हक है उस तरीके से इबादत करने की हमें तौफीक अदा करो।